दोस्तों, तो आप सब लोग जितने भी मुझे कमेंट्स करते हो ना, मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ, ठीक है। मैं आपकी बात मान लेता हूँ, आज मैं आपकी बात मान लेता हूँ। मैं किसी टीम को ट्रोल नहीं करूँगा, ज़्यादातर मैं इंडिया पाकिस्तान के मैच के हवाले से बात करता हूँ या इंडिया को ट्रोल करता हूँ। मैं मैच के बारे में किसी भी टीम को ट्रोल नहीं करूँगा, किसी भी टीम को ट्रोल नहीं करूँगा, ना इंडिया को ना अफगानिस्तान को, ठीक है। लेकिन मैं जो सोशल मीडिया पर जो चलता है ना, जैसे एबी क्रिक इन्फो है, पाकिस्तान टीम को बाबर आजम को ट्रोल करता है, मैं उस पर रिएक्शन करूँगा। सही है, क्रिकेट विद अफजल है, गंदी नाली का कीड़ा है, आप सभी को पता है, वो पाकिस्तान को और बाबर आजम को ट्रोल करता है, मैं उस पर रिएक्शन करूँगा, कोई नाराज़ नहीं हो। अफगानिस्तान का पठान भाई है, पाकिस्तान टीम को गालियाँ देता है, पाकिस्तान को गालियाँ देता है, मैं उसकी कंट्री को गालियाँ नहीं दूंगा, लेकिन उसको रिएक्शन ज़रूर करूँगा, उसके खिलाफ वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। ये सही है, ये चलेगा, ये बात मैं जो है ना अपनी, ये मेरी बात आप लोगों को रखनी होगी। आप लोग जितने भी मुतासिर होते हैं ना, जितने लोगों को भी तकलीफ़ होती है कि मैं ट्रोल करता हूँ इंडिया टीम को, मैं अफगानिस्तान टीम को ट्रोल करता हूँ, भाई वहाँ से ट्रोल किया जाता है तो ही मैं ट्रोल करता हूँ। हाँ, अगर इंडिया मैच हार जाए या अफगानिस्तान हार जाए तो मैं उनकी हार पर जो गलतियाँ होती है ना वो निकालूंगा, मैं किसी टीम को ट्रोल नहीं करूँगा, ये मेरा वादा है आप लोगों से। लेकिन जो लोग पाकिस्तान को ट्रोल करते हैं, जो बाबर आजम को ट्रोल करते हैं, जो पाकिस्तान टीम को ट्रोल करते हैं, मैं उनके खिलाफ रिएक्शन वीडियो बनाऊंगा, उस पर आप लोग मुझे मना नहीं करोगे। एबी क्रिक इन्फो हो गया इंडिया का, सही है, सुशांत मेहता हो गया इंडिया का, चलो सुशांत मेहता को छोड़ दो, एबी क्रिक इन्फो है, पठान भाई है, क्रिकेट विद उमर अफजल है, सही है, वासे अबीबे, इफी कमर है, शोएब जट है, जितने भी ये गंदी नाली के कीड़े हैं, जितने भी ये गटर छाप हैं, ये सैकड़ों बाप की एक लौती औलाद जिनको मैं बुलाता हूँ, भाई इनको तो मैं रोस्ट करूँगा, इनको मैं ट्रोल करूँगा, इनके ऊपर तनकीद वीडियो मेरी बनेगी, मैं इनके खिलाफ रिएक्शन वीडियो बनाऊँगा। क्योंकि ये लोग, आप लोग ही मुझे बोलते हो कि भाई आपको जो ट्रोल करता है आप उसको ट्रोल करो, आप किसी कंट्री को ट्रोल ना करो, आप किसी टीम को ट्रोल ना करो। तो भाई मैं ना इंडिया की टीम को ट्रोल करूँगा, ना मैं अफगानिस्तान की टीम को ट्रोल करूँगा, ठीक है, ये मेरा आप लोगों से वादा है। क्योंकि ये सोशल मीडिया पे जो ना झगड़े, ये नफरत अंगेज़, ये सिर्फ पाकिस्तान इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में चलती हैं। तो आज के बाद मैं ये ख़त्म करता हूँ, मैं आप लोगों को ये बात रखता हूँ, लेकिन आपको भी मेरी बात ये रखनी होगी कि जो पाकिस्तान को ट्रोल करते हैं भाई उसको रोस्ट में करूँगा, उनको ट्रोल में करूँगा, आप मुझे मना करेंगे फिर भी मैं नहीं रुकूँगा। अगर आप लोग गालियाँ देंगे तो वो आपका ईमान है। और दूसरी बात, पठान भाई अफगानिस्तान का, एबी क्रिक इन्फो है, क्रिकेट विद अफजल है, मैं इनकी माँ बहन भी करता हूँ, ठीक है, आप लोग सही बोलते हो, ये भी आप लोगों ने सही बोला है कि भाई उनको बोला कर, उनकी माँ बहनों को नहीं बोला कर, भाई मैं माँ बहन पे भी गाली नहीं दूंगा, ये भी मैं बात आप लोगों की रख लेता हूँ, एक्सेप्ट कर लिया मैंने आप लोगों के ये कॉमेंट्स जो है ना सारे पढ़े हैं मैंने, कुछ लड़कों को मैंने कॉमेंट्स के रिप्लाई भी दिए हैं। मैं ना किसी की माँ बहन करूँगा, ना मैं अफगानिस्तान की टीम को ट्रोल करूँगा, ना अफगानिस्तान की कंट्री को, ना इंडिया को ट्रोल करूंगा, ना इंडिया की कंट्री को ट्रोल करूंगा। लेकिन एबी क्रिक इन्फो, वासे अबीब, इफी कमर, क्रिकेट विद अफजल, अफगानिस्तान का सैकड़ों बाप की एक लौती औलाद, पठान भाई, इन लोगों को मैं नहीं छोड़ूंगा, इन लोगों को नहीं छोड़ूंगा, इन लोगों के पिछवाड़े में हाथ डालकर सारे फेफड़े में बाहर कर दूंगा इन लोगों के। क्योंकि ये सारे, इनमें से कुछ पाकिस्तान को ट्रोल करने वाले हैं, कुछ पाकिस्तान टीम को ट्रोल करने वाले हैं, लेकिन सारे ही पाकिस्तान टीम को ट्रोल करते हैं, सिर्फ वासे अबीब और इफी कमर पाकिस्तान को ट्रोल नहीं करते, वो सिर्फ पाकिस्तान टीम को ट्रोल करते हैं, लेकिन बाकी जितने भी हैं वो पाकिस्तान को भी ट्रोल करते हैं, पाकिस्तान टीम को भी ट्रोल करते हैं, तो भाई उनको मैं नहीं छोड़ूंगा। तो क्या ख्याल है आप लोगों का इस बारे में, कॉमेंट्स में मुझे बताएं, वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब भी कर दें, मैं सबको रिप्लाई भी करूँगा कॉमेंट्स पे, ठीक है।